हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज एक बहुत ही एक आयरन लेडी के बारे में हम बताएंगे। दैट इज कैथरीन इसाओ। अपने फील्ड की कह सकते हैं बहुत ही दमदार लेडी हैं ये। तो आपको थोड़ा साइंटिस्टों के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, जो कि आप जान सके उनके। अगर कैथरीन इसाओ की अगर बात की जाए, तो कैथरीन इसाओ जो है वो कैथरीन इसाओ का जन्म यूक्रेन में हुआ इन 1898, है ना। शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। कैथरीन इसाओ का जन्म यूक्रेन में हुआ। उसके बाद वो कहाँ चली गई एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने, रशिया और जर्मनी। वहां ठीक है, इन रशिया एंड जर्मनी दो जगह है। और अपनी डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने 1931 में यूनाइटेड स्टेट से ली। उसके बाद क्या बताते हैं, शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वेयर द फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं दूसरे कलर से इसको आपको इसको चेंज बदलता हूँ, दूसरा कलर लेके इसको दिखाते हैं आपको कि आखिर उन्होंने क्या किया। ये देखिए, शी रिपोर्टेड कलर दो ऐड हो गए, इन हर अर्ली पब्लिकेशन इन द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू आ प्लांट वी द फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यूज, है ना। ये इससे बता रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि उन्होंने बताया कि जो इनका पब्लिक करली टॉप वायरसेस जो है किसके थ्रू फैलते हैं, वो जो जाहिर फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज है फ्लोएम, उसके जरिए जो है करली टॉप वायरसेस की जो है स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था इन्फेक्शन। तो उस पे उनका पब्लिकेशन पहला रिसर्च पेपर, जो भी इससे पहले और भी आए होंगे रिसर्च पेपर, लेकिन इसके बारे में बता रहे हैं कि उनका रिसर्च पेपर था। डॉक्टर इसाओ प्लांट एनाटोमी पब्लिश इन 1954 टू का डायनामिक डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइन टू एनहांस वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर एंड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन। ठीक है, ये बता रहे हैं। ये एक किताब तो ये वाली होगी, इसाओ की किताबों के नाम याद रखिएगा, प्लांट एनाटॉमी, ये पब्लिश हुई थी 1954 में, है ना। प्लांट स्ट्रक्चर को कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्या है वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट है और क्या डिसिप्लिन है। दूसरी किताब आई उनकी था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। ये कभी कभी सवाल नीट में आ जाता कि आखिर कैथरीन इसाओ का फील्ड क्या था, तो वो एनाटॉमी फील्ड से बिलोंग करती है। ये वाली किताब उनकी है ना 1960 में पब्लिश हुई। इट वॉज रेफर्ड टू वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी इनसाइक्लोपीडिया कहा गया इसको, ठीक है, सब कुछ इसमें मौजूद था। 1957 शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसके लिए उन्हें इलेक्ट किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। वो सिक्स वुमेन टू रिसीव द ऑनर, छठी वुमेन थी जो जो ये वाला अवार्ड उनको दिया गया, इलेक्टेड किया गया था, सिक्स नंबर लेडी थी। नंबर मतलब इससे पहले पांच लोगों को दिया गया, सिक्स नंबर पे इनको दिया गया। इन एडिशन टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश 1989 में, उसको नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दिया गया, जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिका के थे जॉर्ज बुश, उन्होंने दिया था। व्हेन कैथरीन इसाओ डाइड इन द ईयर ऑफ 1997, ये उन डेथ हो गई उनकी, पीटर जो बता रहे हैं पीटर रेवन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी है ना मिसोरी बोटेनिकल गार्डन रिमेंबर दैट शी एब्सोल्युटली डोमिनेट इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी एट द इवन एट द एज ऑफ 9। काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है ना वो, है ना, इसलिए उनका जो एक बोटेनिकल मिसूरी बोटेनिकल गार्डन है उसमें बहुत बड़ा याद किया जाता है उनको, काफी डोमिनेशन किया उन्होंने प्लांट बायोलॉजी फील्ड के लिए। तो कैथरीन इसाओ है ना जीनियस लेडी, काफी टैलेंटेड और काफी किताबें लिखी और उनका एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट से काफी रिलेटेड, मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया लेकिन एनाटॉमी पे उनकी काफी किताबें। तो इट इज ऑल अबाउट कैथरीन इसाओ।